अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कौसरेली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ। तो जनाब, आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है क्योंकि इसमें आपके नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो आपके रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कोई फैसले ले रहे होते हैं या हम कोई काम करने वाले होते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लोग क्या कहेंगे। जी जनाब, तो आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। तो हमारे साथ हैं हमारी रेगुलर बुशरा ए खान। चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम का टॉपिक आपको पता चल गया है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे आज आपके लिए। बिल्कुल है ना, जो हमारी इस टॉपिक पे लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, ये इनको बताना है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, क्यों होता है ये हमारे माशरे में, क्यों है? मतलब इवन हम अगर बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हो ना, फिर भी हम कोई भी स्टेप ले रहे हों, कुछ भी, तो हम सबसे पहले क्यों, हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया है हमारे माशरे की तरफ से कि लोग क्या कहेंगे। देखिए कौसर, इसमें प्रॉब्लम भी हमारे ही लोगों की क्रिएट की हुई है। और आप यकीन करें कि अगर आप ये चीज़ सोच लें कि मेरी ज़िंदगी पे पेरेंट्स के अलावा या हमारे बच्चों के अलावा या जो हमारे एक जिसे हम कहना चाहिए कि हमारे बहुत ही करीबी रिलेशन में जो लोग होते हैं जिनका वाकई कोई असर पड़ता है हमारे होने या ना होने से, तो शायद उनकी तो बात माननी भी चाहिए। वो जो लोग होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारी अपनी अजीब सी मुसल्लत की हुई सोच है जो हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही है, और वो नस्ल दर नस्ल ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफर कर दी जाती है कि ये काम नहीं करो, एक मिनट लोग क्या कहेंगे, बिठा दिया गया है हमारी जनरेशंस में सदियों से। बिल्कुल, नहीं 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 तुम ये नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे, यार आप अपना देखो, आपको क्या करना है। बिल्कुल सिंपल। लेकिन मतलब लोग क्या कहेंगे का टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है कि ये हम किसी भी टॉपिक पे उठा लेना ये बात आती है। अगर एक औरत, एक लड़की अगर खुद से किसी अपनी लाइफ में स्टेप ले रही हो, इसने ऐसा क्यों सोच लिया, क्यों सोचा इसने अपने बारे में, मतलब इसने ये नहीं सोचा कि क्या एक लड़की ये काम कर सकती है या नहीं। अगर एक औरत खुद से अपने हस्बैंड के साथ नहीं है खुश, इस्लाम ने जब उसको ये इजाज़त दी है और वो चाह रही है कि मैं अपने हस्बैंड से खुला ले लूँ, नहीं तो क्यों, लोग क्या कहेंगे। अच्छा जी, हस्बैंड का इंतकाल हो गया अगर, और वाइफ पर फिर ये बात आ जाती है कि हाँ इसकी वजह से हुआ होगा, इसने इतना तंग कर दिया होगा, तो उस पर भी कहते हैं कि हाँ जी लोग क्या कहेंगे, लड़की को एडमिशन चाहिए। अच्छा, हम लड़की या औरत से हट भी जाए ना, तो अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भी आएँ, तो हम कोई भी स्टेप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की को या लड़के को मीडिया पे आना है और उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है, तो उस पर भी ये आता तो है कि बहुत कुछ कहते हैं लोग क्या कहेंगे। भाई बात सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट घरों के माहौल से। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और ये बताती चलूँ कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाली बात होती है ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो अगर सिर्फ ये चीज़ या ये सोच या ये मनफी सोच अपने दिमाग से निकाल देना, यकीन करें उनके बच्चों का मुस्तकबिल इतना रोशन होगा जो एक हर माँ बाप की या एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ से यहाँ पर 80% लोग हमारे यहाँ इसी चीज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे। और जबकि हाँ, लोग सिर्फ यही कहते हैं आके, अच्छा जी मर गया, कैसे मरा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये फैक्ट है। अच्छा, परवाह भी हमें उन लोगों की होती है जो कि किसी भी टॉपिक को लेकर हमें कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो हमारे अच्छे में साथ है ना हमारे बुरे में साथ है। बिल्कुल ठीक है, और 10 दिन 15 दिन बात होती है उस टॉपिक पे, फिर वो एक नए टॉपिक पे लग जाते हैं, फिर भी हमें अपनी जिंदगी, अपनी अहम जिंदगी को लेकर उन पे ही बात करते हैं। और सीरियसली ये बात हम में भी है, इवन मैं खुद भी कोई भी काम कर रही होती हूँ, डर होता है। हाँ एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें माशरे में तो रहना है। नहीं, आप देखें माशरे में बिल्कुल रहना है, आप कौन कह रहा है आपके आप अपनी इकदार भूल जाए, कौन कह रहा है आपसे, जो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं या जिस जिस सर्कल में आप हैं या जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं या आप व्हाटएवर कुछ भी आपका जो भी है, लेकिन इतना ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी पर आप मुसल्लत कर लें कि ऐसा लगता है कि नाउज़ुबिल्ला खुदा ने नहीं हमारा नसीब या हमारी किस्मत लिखी है, लोग लिख के जाते हैं।
हमने अपनी पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन टॉपिक्स पे। किस तरह से आपने घर से कदम बाहर निकालना है, कितने बजे आपने घर में। अच्छा, यहाँ मैं एक उन लोगों का जिक्र जरूर करूंगी क्योंकि एकदम से वो पता है ना, हमारी जब बात निकलती है तो फिर वो दूर तक जाती है। हमारे यहाँ इस तरह के लोग पाए जाते हैं, आपके घर में फाके हो रहे हैं, ठीक है, आपका पड़ोसी बीमार है, आपके पड़ोसी के पास खाने को कुछ नहीं है, या व्हाटएवर कोई ऐसी बेसिक नीड है जिसकी वजह से वो बहुत ही कसमापुरसी में लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, उसका उनको नहीं पता होता जो साथ रहने वाले होते हैं। लेकिन आपके पड़ोसी की बेटी कितने बजे जा रही है, कहाँ जा रही है, बहू कहाँ काम कर रही है, बेटा आजकल किन लड़कों के साथ बैठ रहा है, ये उनको सब पता होता है। अपने घर का पता करो उनको पहले। अच्छा, ऐसे लोगों के अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ माशाल्लाह हो रहा होता है। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, जो हमारे और आपके डरे हुए पेरेंट्स को होती है कि लोग क्या कहेंगे। और एक वो जो चार लोग होते हैं ना, वो चार लोग, वो वाकई अब तो बच्चों ने ये एडमिट करना शुरू करे कि हमें मिले तो हम उनको शायद मार दें। ये कौन है ये चार लोग भाई, के चार लोग क्या सोचेंगे? लाइफ को इतना ज्यादा मतलब मोड़ तोड़ दिया जाता है कि क्या आपकी लाइफ अल्लाह ने सिर्फ लोगों के ऊपर, और लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट की है, इसी वो भी इन लोगों की ही वजह से। बिल्कुल, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो लोगों को टेंशन है। अगर किसी का हस्बैंड सारा दिन काम कर रहा है, वाइफ घर में, तो लोगों को टेंशन है। अगर किसी की वाइफ काम कर रही है, हस्बैंड घर में, तो लोगों को टेंशन। अच्छा, अगर किसी के बेटे हैं तो लोगों को टेंशन है बेटी क्यों नहीं, और अगर किसी की बेटी हाय बेटा नहीं है, इस पे भी लोगों को टेंशन। लड़की की शादी नहीं हुई लेट, लड़के की शादी लेट हो, उस पर भी यही होता है कि इसकी शादी कर दो वरना लोग क्या कहेंगे उनको, उनको क्या। और मैं मतलब मैं दावे के साथ ये चीज कह सकती हूँ कि ऐसे लोग जो इन लोगों के दायरे में आते हैं ना, इनके अपने घर के शिराजे इतने बिखरे हुए होते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता। और वो कहते हैं ना, आपने सुना ना कि मकफात अमल की चक्की पीसती बड़ा स्लो है लेकिन बड़ा बारीक पीसती है, वो बहुत टाइम बाद उनको रियलाइज होता है। लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो होती हैं ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर शादी की, तो सबसे पहले हम यहीं से सवाल उठा लेते हैं ना कि पसंद की शादी चाहे लड़का कर रहा हो या लड़की, और सही हो, उस पर भी पेरेंट्स सबसे पहले ये परेशान रहते हैं, नहीं पसंद की शादी कैसे बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ मैं पेरेंट्स को बहुत माजरत के साथ थोड़ा सा पेरेंट्स को कसूरवार ठहराऊंगी, वो इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, कुछ काम है जो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब आप मुझे कुछ भी कहें, आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें, आप कलर चेंज कर लें, या व्हाटएवर कुछ भी आप मुझे कहें, अगर मैं इसी सोच में रही ना कि जो मैंने आपकी मर्जी पे चलना है, तो मेरा तो टाइम और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगी ना कि बस ठीक है, आपकी सुन ली मैंने, अगर समझ आएगी तो मैं मान लूंगी, लेकिन करना मैंने वही है जो मैंने सोच लिया है। हमारे यहाँ इतने माशाल्लाह जाहिर है औलाद है उनकी, आपने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, आप किसी चाचा मामा ताया खाला पुप्पी नानी दादी एक्स वाई जेड देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप उसकी खुशियां तो खत्म कर देंगे, लेकिन आप उस डर से नहीं निकलेंगे कि जी फलां लोग क्या कहेंगे। आप किसी की लाइफ में ना इंटरफेयर करें ना करने दें। नहीं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी इतना डर जाते हैं कि मतलब मुझे समझ भी नहीं आता कि ये कोई एक जैसे कोई बला नहीं होती, लोग ऐसे निकल के आते हैं। अच्छा, शादी के बाद अगर ये पसंद की शादी वाली बात पे भी बहुत ज्यादा आपको पता है, इस पर उठता है, हॉट टॉपिक है तो लोगों के लिए। और इसके बाद आता है लड़के की एज ज्यादा है, लड़की की एज कम है, चल जाता है, लेकिन अगर लड़की की एज ज्यादा है और लड़के की एज कम है, या आज भी माशरे में मायूब समझा जाता है जबकि इसकी इस्लामी मिसाल हमारे पास होती है। इसके ऊपर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने आप को ना मुसलमान नहीं कहा करें ऐसे लोग। दो तीन चीज़ें, नमाज़ें आपने पढ़नी नहीं है, दीन से आप बहुत दूर हैं। मर्द के लिए इस्लाम सिर्फ इतना है कि चार शादियां कर लो। अच्छा, इस्लाम में ना जहेज है, ना उम्र की कैद है, ठीक है, और ना ही सर्टिफिकेट चाहिए मासी होने का, सही है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मर्द जो हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड मर्द, और उस बेचारे मर्द के ऊपर भी वो जो फजूल वाली एक चीज़ मुसल्लत की जाती ना, उसमें औरत का हाथ होता। उस औरत की सूरत में वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी भाभी भी हो सकती है, ठीक है। ये आते हैं ये लोग ना उसको करने में। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आती कि उस वक्त उस मर्द की अकल कहाँ घास चढ़ने चली जाती है कि वो क्यों ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही, अच्छा जी ठीक है, यानी सही और गलत की तमीज़ आप भूल गए। अगर आप कहते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, आपने जहेज कैसे लिया? क्या आपने मेहंदी पे जो 2 लाख रुपए खर्च किए हैं आपने हक महर के लिए रखे हैं, या वो माफ करा लेंगे? एक तो ये माफ कराना मुझे समझ नहीं आता। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, अच्छा फिर हक महर क्यों? अच्छा शादी पे इतना खर्चा हो जाता है, लाखों का, 32 रुपए चारा नहीं, 8 डाले, वो टाइप का जो उस पे आ जाता है यार कि ये सुन्नत है, उस पे ये सुन्नत है। आप ये देखें, और फिर बात आती है एज की। सबसे छोटी जो उनकी वाइफ थी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है, वो उनकी हदीसों में है कि जी बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे, लेकिन किसी हदीस में ये है कि सबसे पहली बीवी से नहीं करते थे, या जो बीच में बाकी जब आपका विसाल हुआ उस वक्त उनकी 11 बीवियाँ जिंदा थीं, तो उसमें से उनमें से किसी एक की कहीं कहीं कोई कोई बुराई या कोई ऐसी चीज़ नज़र आई। आप मुझे एक बात बताइए, आप जिनके उम्मती हैं, आप कहते हैं ना जो बड़े उससे सीना ठोक के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, तो वो उस वक्त वो मुस्लिम कहाँ चला जाता है जिस वक्त उन्होंने शुरुआत ही ऐसी कि अच्छा देखें कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये कुछ मदर्स के लिए भी है, रिश्ता लड़की की तरफ से आया, लड़की इंडिपेंडेंट थी, बिजनेस वूमेन थी, एज में बड़ी थी। अच्छा ये लोग बोलते हुए सोचते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो असल में सोचने समझने की सलाहियत सिर्फ उस हद तक है, और इस्लाम हमने ऐसा पकड़ लिया है कि अगर ये चीज़ मेरे फायदे के लिए तो मैं इस्लाम में हूँ, अगर मेरे फायदे के लिए नहीं तो नहीं, नहीं तुम्हें नहीं पता ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा होता है। और लड़की 16 साल की है, लड़का तो मैं नहीं कहूँगी, बुढ़ा 60 साल का है, ठीक है, कोई मर्द चलो 60 से नीचे कोई बात नहीं, 40 प्लस हो जाएगी, हाँ, थोड़े दिन बाद इसलिए भी माँ ही लगना है। ये बड़े ही बहुत ही किस लड़की शादी के बाद बड़ी लगती है, ये जुमला आता है। और अगर कहीं बेचारी लड़की कुछ घंटे बड़ी निकल गई है तो मुझे बताएं ना, आपको इस्लाम कहाँ चला गया? आपने मतलब बड़ी लड़की से शादी करोगे? आपने कोई कोई इसमें मतलब कोई नुकसान अगर है? अच्छा वैसे हम बड़ा मरूब होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ तो होता ही है, कल्चर है। वो तो कहते हैं जब तक लड़की मेच्योर ना हो जाए, जब तक लड़का मेच्योर ना हो जाए, और वो बहुत पसंद करते हैं भाई कि वो तो कॉन्फिडेंट होती है और मेच्योर होती है और प्लान और ये वो। तो हमारे यहाँ वैसे तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर से तो अम्माएं कह देती हैं बेटा कर ले, एक यहाँ कर ले तो एक वहाँ कर ले, इसने कौन सा पता लगना है। सही है, तो आप क्या, आप असल में ऐसे लोगों को खुद नहीं पता होता कि आया वो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कहने वाले लोग है भी या नहीं? अच्छा एक हो गया एज डिफरेंस, दूसरा क्या आ जाता है कि ये भी हमारी इस्लाम की मिसाल है, लेकिन इस पर भी लोग नहीं करने देते, सुकून से जीने नहीं देंगे, मतलब ना अपने आप को देखें पहले इंसान। दूसरी मिसाल क्या है कि अगर एक कुंवारा लड़का है और कोई विडो है, इवन साथ में बच्चे भी हैं, या कोई तलाक याफ्ता है, ठीक है, तो उससे अगर लड़का मेच्योर है, लड़का समझदार है और वो चाह रहा है इससे शादी करना, तो उस पर भी रहता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, तुम 2 बच्चों की माँ से शादी करोगे, या इवन तुम तलाक याफ्ता से शादी करोगे, या तुम बेवा से शादी करोगे, इस पर भी आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो किसी को अपना शरीक हयात बना रहे हैं? मैंने क्या कहा कि ऐसे लोग, पता नहीं मुझ पर कोई फतवा ही ना लग जाए भाई कि आइंदा इनका प्रोग्राम ना हो, लेकिन मैं सही बता रही हूँ कि कैसे कहते हैं फिर आप लोग कि हम मुसलमान हैं यार, मतलब या तो हम मुसलमान नहीं हैं, फिर हम कोई और मखलूक हैं, हम कहीं और से आए हैं। हमसे भी बड़े बड़े एज में भी माशाल्लाह तजुर्बों में भी बहुत ही बहुत हम कहते हैं हम ज़ीरो हैं, हमें नहीं पता, हमें दीन दुनिया का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हम कुछ भी नहीं, हम ज़ीरो हैं। जब हम जैसे ना चीज़ों को इतनी नॉलेज है, वो हमने भी कुरान पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं भाई, हम भी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो चीज़ें मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं उनको तो आपने पकड़ लिया दोनों हाथों से, वो तो नहीं जाने देनी है। अब तो डीप फ्रीजर का दौर है, फ्रिज तो नहीं आएगा।
अच्छा फिर बात ये है तो ना वो तो आपने पकड़ लिया बिल्कुल हाँ और सॉरी आपकी बात ये कि जो आपने कहा ना कि शादी उसके लिए तो वो उसमें ये होता है कि एडजस्ट नहीं करते बच्चे किसी और के होंगे ना। बुशरा हम आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारी ब्रेक का टाइम हो गया जी। तो नाजरीन क्या एक कुंवारा मर्द कुंवारा लड़का एक तलाक याफ्ता या बच्चों वाली औरत से शादी कर सकता है या नहीं, कहीं मत जाएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब एक लड़का एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करता है तो तब भी ये बात क्यों कही जाती है कि लोग क्या कहेंगे। जी बुशरा देखें फिर वही वाली बात आ गई ना कि इसमें मैं एक हज़रत अली का एक कॉल यहाँ कोट करना चाहूँगी कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है अपनी इसलाह करना और दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों पर तनकीद करना, उंगली उठाना। अच्छा ये हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जब मैं आप पे एक उंगली उठाऊंगी ना तो ये तीन मेरी तरफ हैं। ये अल्लाह ने कुछ निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि अकलमंदों के लिए इशारे हैं, पता ना अकलमंद के लिए इशारा है काफ़ी है, लेकिन ये समझ नहीं आती हमारे यहाँ लोगों को। ठीक है तो माँ बाप या लड़के के माँ बाप या इसमें लड़की के माँ बाप देख रहे हैं कि कहीं कहीं मेजॉरिटी ये देखा गया है कि लड़की ज़्यादा पिसती है, सही है, लेकिन लड़के भी पिसते हैं, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी बहुत गलत होता है। ठीक है नसीबों का खेल है, नसीब यहीं जुड़ने थे, देखें ठीक है नसीबों का खेल है, नसीब बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर तो ये कोई हराम या कोई ना करने वाला फेल होता तो इसकी सुन्नत में कहीं जगह नहीं होती, इसकी कोई मिसाल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है हुजूर पाक ने तलाक याफ्ता औरतों से शादी की, निकाह किया, ठीक है, और वो उनको तलाक भी दी है, ठीक है उनकी बेटियों को, मतलब आप हम तो सोच भी नहीं सकते ना उस लेवल तक, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को भी तलाक हुई है तो क्या नाउज़ुबिल्लाह क्या वो गलत थी क्या वो गलत थी या उनकी तरबियत गलत थी, जैसे आजकल बोल दिया जाता है घर बसाना नहीं आया, नहीं तो अगर चाहे वो नहीं आया होगा, चाहे वो एक लड़की 10 साल बाद या 20 साल बाद या 2 साल बाद अपने मर्जी से खुला लेती है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही तो घर बसाने वाली नहीं थी ना, बिल्कुल घर बसाना या बाहर घूमने वाली थी ना, हाँ जॉब करने वाली थी। अच्छा फिर नहीं मुझे कुछ पेरेंट्स पे यानी लड़की के पेरेंट्स पे भी मुझे बड़ी मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, तो कुछ जगहों में हम स्पीचलेस हो जाते हैं ना, लेकिन जो मैं देख रही होती हूँ जिस तरह सोशल एक एक्टिविटी चल रही होती है उसमें जो लोग आते हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है या जिस तरह के लोग, तो वो यही कहते हैं कि हम तो खुला ले सकते हैं लेकिन फिर हमारे माँ बाप का क्या होगा। एक तो उनके पास वही वाली बात होती है कि वो माँ बाप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अच्छा माँ बाप भी पिसने देते हैं। मुझे एक बात बताइए कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे साथ है और कोई आके उसको थप्पड़ मार के चला जाए क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आर्ग्यू करूंगी, पूछूंगी भाई क्या हो गया क्या प्रॉब्लम, मैं उस बात की तह तक जाऊंगी। ठीक है यही चीज जब शादी हो गई लड़की को आपने रुखसत कर दिया, अब अगर वो आके कंप्लेन करती है, अव्वल तो लड़कियां एकदम फौरन से नहीं करती, कोशिश होती है उनकी भाई कोई अपना घर खराब नहीं करता, ठीक है कि हम इसको निभाएं, लेकिन अगर शिकायत करे तो उस पे सब्र वो चीज कहाँ चली जाती है कि चल के पूछते हैं हुआ क्या था, वो कहते हैं नहीं नहीं लड़की वालों को चुप रहो होना चाहिए, तुम चुप रहो हम लड़की वाले, पहले ही समझा दिया जाता है देखो बेटा 2 साल 3 साल तक तो भूल जाओ, अरे ये चीज लड़के वालों को या लड़के को भी तो समझानी चाहिए कि बेटा जो आने वाली है जो इतना सब कुछ, अब उसके लिए तो बिल्कुल हर चीज डिफरेंट है, बिल्कुल आपने अपनी लाइफ चेंज नहीं की, आपने अपनी रूटीन चेंज नहीं की, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बात लड़के वाले अपने आपस में घर वालों को क्यों नहीं समझाते कि एक लड़की आ रही है तो बेटा 2-3 साल तक बर्दाश्त करना क्योंकि एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ये बात लड़कियों को ही कही जाती है, वो सदियों से चलता आ रहा है सदियों से। और फिर नहीं देखिए जो खुला की बात जो हमने की थी, खुला कोई मतलब इसमें आदत अगर कोई बना रहा है ठीक है। अच्छा एक और बड़ी अच्छी सी चीज वो एक आती अच्छी सी चीज तो अच्छा हमारे तो ऐसी टॉपिक चलते ना कि बस एकदम से आपके पास से कुछ आ रहा होता है सवाल जवाब और मेरे पास आ रहा होता है, मेरे पास एक और सवाल आ रहा है इसको प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। हाँ मैं बता जाऊँ कि एक औरत अगर किस्मत की बात भी होती है, बाज़ दफ़ा अंडरस्टैंडिंग की बात भी होती है, एक औरत है अब उसकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई
जरूरी नहीं है कि दूसरी भी 100% कामयाब हो, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी नहीं हुई तीसरी भी कर सकती है, तीन शादियां करके बैठी है तब भी कामयाब नहीं हुई। ये अच्छा, भी इसके ऊपर एक बड़ा खतरनाक सा जुमला और भी आता है, अगर कहीं उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए। हाँ। अच्छा, एक तरफ तो हम कहते हैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जब मैं कहती हूँ हर चीज अल्लाह के हाथ में, हमारा ईमान है ना इस चीज के ऊपर, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, हर ईच एंड एवरीथिंग, एक पत्ता भी हिलता है वो कहते हैं अल्लाह को पता होता है, तो फिर इंसानों को कैसे नहीं पता होगा। तो आप ये कैसे हुक्म किसी के ऊपर सादिर कर सकते हैं, या आप ये कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं इसने मार दिया, खा गई अपने मियाँ को, एक पहला जुमला ही है यार। हाँ, मतलब यार नहीं, और अगर चलो दोनों तीनों मियाँ का डेथ भी नहीं हुई, किसी से 2 साल बाद खुला ले ली या तलाक हो गई या 4 साल बाद या 10 साल नहीं आता ना, उसको निभाना नहीं आता, ये बसाने वाली है ही नहीं जब इसको 3 तलाकें हुई या 3 दफा खुला ली है। क्यों भाई, क्यों कहते हैं सब, बंदा मर जाए। और देखिए जिस तरह से मर्द को जबान चलाने वाली औरत या तेज आवाज में बात करने वाली औरत नहीं पसंद होती ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी औरत को गाली देने वाला और हाथ उठाने वाला मर्द पसंद होगा। सही है, चाहे वो उसके बाप की सूरत में हो, चाहे वो उसके भाई की सूरत में हो, चाहे वो उसके शौहर की सूरत में हो, चाहे वो उसके बेटे की सूरत में हो। हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक पे हमने बात की थी कि ये 4 सुतून की तरह होते हैं एक औरत की जिंदगी में, ठीक है, जिस तरह 4 कंधे होते हैं ना, एंड में भी 4 चाहिए होते हैं और स्टार्ट में भी, और अगर इनमें से कोई एक भी बैलेंस आउट करता है ना तो औरत तो डिसबैलेंस होना उसका फिर बनता है बेचारी का, ठीक है। और ये बात आती है सारी आपके कॉन्फिडेंस पे, कि अगर आपने बर्बाद करना है ना किसी लड़की को, मतलब मैं अब इसको और कितना ज्यादा उस तरह करूं कि हम खुद सुन सुन के एक वो हो जाते हैं कि अगर आपने बर्बाद करना है तो इन रिश्तों में से किसी एक को भी आप हिला दें, वो वैसे बर्बाद हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बाप की तरफ देखती है, अगर वो कहेगी कि नहीं मेरे बाप की इज्जत है, एक आदमी है जो कि मुझे रोज पीट रहा है, रोज गालियां दे रहा है, मैं अपने बाप के सामने बन संवर के आ रही हूँ, मैं बोलूँ नहीं जी अब्बू मैं तो बड़ा खुश हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, कैसे माँ बाप है कि वो पहचान नहीं सके, कैसे आ रही है उसको, उसको कैसे पता चल रहा है, पहचान पाए अपनी औलाद की तकलीफ, पता चल रहा है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, जबकि कहते हैं माँ बाप को पता चल जाता है, तो क्या माँ बाप को नहीं पता चल रहा कि आज उनकी बेटी, आज उनका बेटा एक्टिंग कर रहा है। और कहीं ऐसा भी होता है कि खुल के पूरी बात बताई जाती है, उसके बावजूद भी बेटी को बोला जाता है कि बेटा अपना घर बसाओ, कौन बस, करेगा, तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे साथ कौन देगा। अच्छा, शादी ये कौन करेगा? एक और ये चीज आती है कि भाई तुम्हें तो मियां मिल जाएगा, उसको बीवी मिल जाएगी, बच्चा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, जबकि ऐसा भी देखा गया है कि चाहे वो मियां की साइड से भाई बीवी चली गई, वो नहीं उसने निभाना था, वो नहीं, तो उसके बच्चे कोई और औरत आके संभाल रही है और बहुत अच्छे तरीके से किसी काबिल बना दिया उनको। अच्छा, यही बात को अगर मैं और कंटिन्यू करूं, दूसरी आने वाली बीवी अगर पहली बीवी के बच्चे संभालती है या ऐसे मर्द से शादी करती है जिसके ऑलरेडी बच्चे हों, चाहे उसकी फर्स्ट वाइफ छोड़ के गई हो या इंतकाल हो गया हो, व्हाटएवर, तो उसको कहा जाता है ये सौतन है ना, वो सुतेली माँ है ना, तो ये कहाँ ख्याल रखेगी, और उसको ऐसा पहले से ही ऐसी ऑब्जर्वेशन की जाती है उसके साथ कि वो बेचारी पहले ही इतनी टेंशन में होती है। बास होती हैं ऐसी जो वाकई सिंसियर होती हैं, कबलस वक्त जो होता है ना, कहते हैं कुछ लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपकी हिम्मत तो खत्म करते ही करते हैं, प्लस आपको मायूसी का शिकार कर देते हैं, कुछ लोगों की बातें आपकी मायूसी में इजाफा कर देती हैं, और ये हकीकत बात है, क्यों कहते हैं कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, लेकिन वो जो ये चीज होती है ना, यहाँ पे तो कुछ अटक जाता है ना, और फिर ये आ जाए बाहर तो मसले हो जाते हैं। लेकिन आप किसी को इतना जिच करते ही क्यों हो, आप किसी की लाइफ में इतना ज्यादा उठाने पर मजबूर हो जाए। हाँ बिल्कुल, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक खिलौना मिल गया, अब इस टॉपिक को लेके ना आप खेलते रहे, किसी के घर में क्या हो रहा है, कौन किन जंगों से रोज लड़के निकलता है, कौन डेली मरता है, कौन डेली, आपने कभी जाके उससे ये पूछा कि तुम्हारे हालात क्या चल रहे हैं, तुम्हारी जिस्मानी रूहानी या मतलब व्हाटएवर, हर टॉपिक पे, बच्चे अगर आपके ऐसे हैं तो क्यों, मतलब नहीं करना, तुम ऐसे क्यों हो, ये देखते हैं उनको, ये इससे को, अच्छा फिर उस पर मशवरे इतने अच्छे दिए के जाएंगे कि वो कहते हैं ना जलते पे तेल का काम करते हैं ऐसे लोग। अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं देख रही हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, वो भूखा है, वो मेरे पास आया, खुराक
का सवाल अगर उसने मुझसे किया और मैं उसको ये मशवरा दे दूँ, अच्छा खाना नहीं है फ्रूट खा लिया करो, कैसा लगेगा? मैं तो फिर मतलब मैं कितनी काबिल हुई आप सोचें, ऐसे लोग हैं। और ये वही लोग होते हैं कि दूसरों को तो मशवरा दे देंगे, बड़ा सवाब है तलाक याफ्ता औरतों से शादी करने का, और जब खुद के घर में कोई सवाब है किसी यतीम के बच्चे के सर पे हाथ रखने का, बड़ा ये सवाब, और जब अपनी बारी आती है दिमाग खराब हो गया, यही रह गई है क्या? बिल्कुल, ये बहुत मतलब ये कॉमन है कि यही रह गई है क्या? लड़की बड़ी क्यों माँ से करनी है? हाँ। लड़की से शादी करनी है, माँ लेकर आनी है, अरे चलो दो माएं हो जाएंगी, क्या टेंशन है आपको? और ये भी यार ये देखो ये कपल जो है ना, इतना मतलब हाँ, और क्या है कि ये कपल में ना ये बीवी बड़ी लग रही है उम्र में, बताया नहीं है इसी उम्र में बड़ी हो रही है, छुपा रही है उम्र, छुपा रही है, बिल्कुल ये भी होता है। अच्छा अगर हम शादी की बात को आगे कंटिन्यू करें, अब हो गई जनाब शादी, चाहे वो बड़ा लड़का हो या बड़ी लड़की हो, क्यों ये चीज़ मुआशरा एक्सपेक्ट करता है कि जी शादी के दूसरे तीसरे महीने में ही कोई खुशखबरी सुना देनी चाहिए? अरे उनका बस नहीं चलता भाई, वाकई सही है तो। अगर क्योंकि औलाद हर चीज़ हर फैसला अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल। अब अगर किसी की कपल की औलाद या ऐसी खुशखबरी उसको फर्स्ट ईयर में नहीं मिली सुनने को, औलाद नहीं हुई अभी तक, ये पता नहीं क्या लोग क्या सोचेंगे, क्यों नहीं हुई औलाद, खुद नहीं कर रहे क्यों इस तरह के सवाल उठाते हैं? अच्छा पता है कौसर, ये पहले ना ये टॉपिक बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, स्पेशली जो यंग कपल्स हैं या जो जनरेशन हमारी इस चीज़ से, मैं कहती हूँ इस ट्रामा से गुजरी होगी, वो इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करेंगे, कहेंगे यस, कि पहले ये चीज़ मुसल्लत होती थी सिर्फ, वो कहते थे ना कि जो ज़्यादा एजड हो जाते थे या जो कुछ बुज़ुर्ग खवातीन होती थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ही ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, या जो लोग अपने आप को बहुत ही जो होते कुछ और दिखा कुछ और रहते हैं, ये सवाल उनके मुंह से भी आते हैं। उनका सारा जो वो एक उन्होंने खौल पहना हुआ था ना, वो मोम की तरह बह के निकल जाता है जब उनके मुंह से, हम कभी कभी बिल्कुल इस तरह से शॉक लगता है कि मतलब ये भी लिटरली इस तरह से इंसान अंदर से चीखता है कि मतलब, क्योंकि बाज लोग आपके सामने इतने खौल चढ़ा के बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके पीछे कितनी बुराई होती है, क्या करते हैं, और आपके सामने जो बड़े हैं ना वो शायद इस चीज को समझते होंगे या रियलाइज करते होंगे, या वो जो बेचारे गुजर चुके हैं वो अब होते तो वो शायद समझते या बैकबोन बनते। जो आजकल के हमारे बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे फादर्स हैं, पढ़ी लिखी मदर्स हैं, या पढ़े लिखी फैमिलीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये बातें इतनी ज़्यादा आम हो रही होती हैं। अच्छा पहले तो उनको टेंशन ये होती है कि शादी शादी क्यों नहीं हो रही, एज ज़्यादा हो रही है। अच्छा फिर उसके बाद शादी हो गई, अच्छा अगर अचानक शादी हो जाए, एक चीज़ आप भूल गई अगर अचानक शादी हो गई कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी ऐसे नहीं होती, नहीं नहीं कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर चल रहा होगा, कुछ मसला है, माँ बाप छुपा रहे हैं। अच्छा जी हो गई शादी, शादी हो गई तो फिर उसके बाद जो है ना, अब लड़की को देख के उतार चढ़ाओ, सब चीज़ों को देख के ना, एक तो हमारे यहाँ पता नहीं आंखों में उनकी क्या है, ऐसे वो लोग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड मशीन सब लगी होती है, सब उनको पता चल जाता है ना, इलाम आ रहे होते हैं, सब पता चल जाता है। अच्छा ये मुस्कुरा रही है आंखें, चाहे उसने बेचारी ने प्यास काटी हो, नहीं ये रोकर आई है, कुछ हुआ है, कुछ मसला है, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा, खुशखबरी कब है भाई, खुशखबरी कब है? अच्छा अच्छा नजला, खुशखबरी ना होने का नजला भी औरत पे गिरता है। अच्छा बात क्या है बुशरा, कि हम अपने टॉपिक पर, ये टॉपिक ही ऐसे हैं जो ज्यादातर घूम फिर के हमारे माशरे में औरत पर ही आ रहे हैं। बिल्कुल, हम बात अपने प्रोग्राम में, नाजिन हमारे समझते होंगे कि हम सिर्फ जो है ना औरतों के फेवर में बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम हर चीज को देख रहे होते हैं, हर पहलू को देख रहे हैं। सर एक चीज आप ये देखेंगे, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मैंने दोनों को इसीलिए साथ रखा है, अगर मैं किसी औरत की बात कर रही हूँ, आप ये देखिए कि मर्द जुल्म करता हुआ कितना नजर आता है, औरत पे जुल्म कौन कर रहा है? हमारा पहला सवाल ही यही था कि क्या औरत औरत की दुश्मन हो सकती है? बिगाड़ ही यही है ना, बिगाड़ ही यही है। देखें एक वो माएं होती हैं जो अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देती हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, एक वो माएं होती हैं जो ना चाहते हुए भी अगर कोई बदनाम जिंदगी उनके हिस्से में आई है
तो उस औरत की पहली कोशिश होगी कि मेरी बेटी ये काम ना करे, लेकिन अगर करती भी है तो खुशी से नहीं करवा रही होती है। ठीक है, मैं एक उस औरत की बात करनी हो रही है। इसी तरह से जो नानी है, जो दादी है, फिर बाद में जो सास होती हैं, बहनें होती हैं, बड़ी बहनें माँ की जगह होती हैं, बड़ी बहनें हो गई, छोटी बहनें हो गई, या ये जितने भी रिश्ते हैं ना, औरतों की ज्यादा इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर औरत ही औरत के साथ सिंसियर हो जाए ना, अब यकीन करें जो मर्द होगा ना वो सुकून का सांस लेगा। बिल्कुल, क्योंकि मर्द की अपनी टेंशन्स कम होती हैं। बिल्कुल, जो औरतों की टेंशन्स होती है ना वो उसको सैंडविच बना देती है। बिल्कुल बुशरा, फिर हमारी ब्रेक का टाइम हो गया है जी, तो नाज़रीन कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, और इस पर फिर मेरे पास एक और सवाल आया बुशरा के लिए। बुशरा, शादी और पसंद की शादी, ये सब कुछ सारी बातें तो हो गई, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये और दूसरे टॉपिक्स पे भी आ जाता है। जैसे कि अगर एक लड़की है वो जॉब करना चाहती है, और उनके खानदान में, आबा अजदाद में किसी ने जॉब नहीं की, तुम जॉब करोगी क्यों? लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी जो है वो सुबह निकलती है तो शाम में आती है, कहाँ से आ रही है? या कोई मीडिया ज्वाइन करना चाहती है तो उस पर भी ये बात आती है, क्यों क्यों सोचा जाता है ऐसा लड़की के हवाले से? देखें, इस बात के ऊपर ना मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एक सेंटेंस है ना, लोग क्या कहेंगे, तो इसका एक आंसर है जो मैंने अपने आप में भी निकाला और मैंने पढ़ा भी है कि काम तो वही करने में मज़ा आता है जिसपे लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी वैल्यूज़ को ना भूलें, ठीक है, अपने लिमिट्स नहीं, आप अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें, आप ये तो भूल जाएं, क्योंकि लोग आपके मरने के बाद भी 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ बिल्कुल, और बिलीव मी कोई कुछ नहीं कहता। शादियां होती हैं या डेथ होती है, ये दो ऐसे एक मेन इवेंट होते हैं ना, ठीक है। अब शादी में आप किसी को बुलाओ, उसकी सारी तवज्जो पहले दूल्हा दुल्हन को देखने पर होती है, फिर उस पे जो भी क्रिटिसाइज होता है उस पर होती है, खर्चे पे होती है, फिर खर्चे पर होती है, उनकी टांग घांट टूटती है खाने पे आके, ठीक है। इसी तरह आप किसी मैयत में इनवाइट क्या करें, वो तो लोग जैसे अगर आ गए, सारी बातें हो गई। यकीन करें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग जो है ना सिपारा पढ़ते वक्त भी उनकी आंखें चल रही होती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता बिल्कुल कि जो है ना ये क्या हो रहा है, और वहां पर भी टांग आगे टूटती है खाने पर, भूल जाते हैं। वो तो जिसने जाना था वो तो चला गया ना, अब क्या हो रहा है कि फलाने को देखा था वो कैसे रो रही थी। मैं जब ये तो एक्टिंग कर रही होगी, ये एक्टिंग कर रही थी, ये देखो अब इसको एक्टिंग कौन सा दुख होगा, इसको कौन सा दुख है, ये तो अब तो ये खुश हो रही है, अब तो ये आजाद हो गई है इस तरह करके। मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो कि ब्लाइंड थे, तो उनकी बात मुझे ऐसा मतलब लगी हुई थी और इतना हिप्स हो गई अभी तक, बात उन्होंने इतनी अच्छी की, क्योंकि आप उनके ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे, कहते हैं ना जब अल्लाह ताला एक किसी चीज में कमी करते हैं तो उसकी दूसरी हिस्स बढ़ा देते हैं, उनकी हालांकि वो ब्लाइंड थे लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन कह लेंगे। मैं एक मेरा एक अपना जाती ये तजुर्बा है और ये मानना है, एक पार्टी होती है 30 मिनट्स की पार्टी आप रखते हैं, ठीक है, उसमें खवातीन आती हैं, कह रहा हूँ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 30 दिन तक वो उसकी बातें चल रही होती हैं, कह रहे हैं ये 30 मिनट्स में ये 30 दिन तक की बातें कैसे करती हैं, कि वो टॉपिक्स निकाल निकाल के, जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, ठीक है। तो भाई हमने ना यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडा ऐसा, कोई औरतों के खिलाफ कोई मोर्चे निकालने, ना हमें मर्दों से नफरत करवानी है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग जी शऊर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप कहते हैं ना हम नहीं डरते किसी से, बदतमीजी भी ना करें, हाँ बिल्कुल, एडमिट तो करें कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और भाई उसको जीने दें अपनी जिंदगी। अच्छा, जॉब के हवाले से बात हो गई कि भाई लड़की जॉब करना चाहती है उसे करने दें, आप लड़की की बात करिए, यहाँ लड़कों की जॉब पे भी बहुत ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, तुम ये वाली जॉब नहीं करो, तुम ये करो। अच्छा, अगर हम जॉब से हट के बात करें, अगर किसी खानदान में फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक हमारे यहाँ कुछ कारोबार हैं जो कि लोग कहते हैं कि ये कारोबार तो अच्छा ही नहीं समझा जाता, अगर वो उनके पास इतना टैलेंट है या इन्वेस्टमेंट है या वो उस कारोबार को टाइम दे सकते हैं और उसमें है कमाई, तो फिर भाई उसको करने दें। एक्स वाई जेड वो कोई भी कारोबार करना चाह रहा हो, अगर वो कुछ सोचते हैं, कोई प्लान करते हैं कि मुझे ये कारोबार करना है, कोई भी मर्द या कोई बेटा किसी का कुछ भी, तो कहते हैं नहीं यार ये वाला कारोबार मत करो, पता नहीं लोग क्या कहेंगे।
देखिए मैं एक पहले हमारे ये होता था ना, टीवी पे स्लाइड्स आती थी, उसमें हदीस आती थी, तो अक्सर एक हदीस नज़रों से गुजरती थी कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। छोटी सी थी तो उस वक्त मैं कहती थी ये क्या बात है, तो ये अब ये ऊपर आ गया तो ये बेहतर हो गया, ये ऊपर आ गया, वो उस वक्त छोटे थे ना, नहीं हाँ। समझ में आता था। तो बाद में मुझे समझ में आया, मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि वो ये पोजीशन होती है, ये ऊपर वाला हाथ है, ये नीचे वाला हाथ है। हम तो यूं चेक कर रहे होते थे ना कि ये कौन सा हाथ ऊपर कौन सा नीचे, नहीं वो पोजीशन ये होती है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अगर आप किसी के आगे भीख मांगे या हाथ फैला के, मतलब मांगना, चले आप भीख का वर्ड भी निकाल लें, मैं किसी से मांगूं पैसे, आप मुझे दे दें, मैं सवाल कर लूं पैसे दे दें, तो मैं क्यों ना कोई छोटा मोटा ऐसी कोई काम, कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दूं, चाहे वो उधार ही मांग रहे हो। उधार ही है, बिल्कुल उधार ही है, उधार है ही एक तो मदद होती है। मांगना मांग रहे हैं ना, बिल्कुल किसी भी उसमें आप उसको वे में ले लें, मांगा तो ना, अल्लाह से मांग रहे हैं, चाहे उससे बेहतर है आप कोई भी काम करें। अच्छा लोग कहते हैं, फिर मुझे वही बात याद आएगी कि छोटे काम क्या होते हैं, कोई मुझे बताए कि ये छोटे काम की कैटेगरी मैं बताऊं, ये जो जितने भी जो ठेले लगाते हैं या एक्स वाई ज़ेड इस तरह के जो भी काम है, ये माशाल्लाह से इनकी भी बहुत अच्छा, अल्लाह ताला सबको रिस्क दे रहा है, इनके भी तो अपने घर चल रहे हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल, यानी मैं इसमें कोई बनावट नहीं है और कोई वो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि एक मेरे घर के नीचे एक सब्ज़ी वाले खड़े हुआ करते थे, अंकल थे वो, तो जो मेरी मेड आती थी उनसे मैंने कहा ये बेचारे सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, तो लिटरली उन्होंने कहा बेचारे 3 घर हैं इनके आगे। ओ माशाल्लाह। मतलब वो बेचारे नहीं है, जिनकी सोच ऐसी है ना वो बेचारे, वो बेचारे यहाँ से बेचारे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और उनको अल्लाह ने किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचा दिया। ठीक है, आप अगर आपकी एक नॉर्मल सी सैलरी पे मबनी एक जॉब है, रेंट पे, आप मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर रेंट पर ही होती है, ठीक है, रेंट पर है, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्कूलिंग है, ग्रोसरी है, ये सारे अखराजात होते हैं। अच्छा, अगर कोई मांगना ही शुरू कर दे तो जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं ना, वो दरवाजे बंद करके एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, यार अब ये कहाँ से आ गया, या ये कहाँ से आ गई, ये लोग कहाँ से आ गए, ये खाना खिलाना पड़ेगा। उसका एक बड़ा अच्छा सा भी एक और एक होने लगा है कि अब लोग क्या करते हैं, आपके कुछ कहने से पहले रोना शुरू कर देते हैं कि इससे पहले मांगना ले, पहले मांगना ले। तो बजाय इसके कि अगर आपको मुंह छुपाना पड़े इस तरह से, ठीक है, आप अगर वो कोई छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं, आप उसको इतना प्रेशराइज आपने कर दिया, ये काम करोगे या ये काम करोगी, एक तो वही जुमला के लोग क्या कहेंगे, दूसरा हमारा खानदानी रख रखाओ क्या है आपका खानदानी रख रखाओ, ये कि आप किसी को मेहनत करने से मना कर रहे हो और फिर आपको कहते हो कि वही वाली बात कि यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, तो हुजूर पाक ने क्या क्या काम नहीं किया, और वो लिख के दिखाने, उस कोई जरूरी नहीं था कि उनको लिखा जाता, लेकिन उनको लिखा गया इसलिए कि इस तरह के जहनियत रखने वाले सोच लें क्यों करते हैं। जूते सीना, बिल्कुल, कपड़े सीना, कपड़े धोना, घर की झाड़ू देना, बकरियों का दूध धोना, रोटी पकाने में मदद करना, आप सोच रही हैं कि ये बातें किसके लिए हो रही हैं, बिल्कुल, किनके लिए हो रही हैं ये बातें, तो आप कौन है, तो छोटा काम आप किसको कह रहे हैं ना, अगर लोग यही समझ जाएं, बिल्कुल, तो खुद की भी जिंदगी आसान हो जाए, दूसरों की भी हो जाए, दूसरों की ज्यादा हो जाएगी, ये मौशरे से बुराई निकलेंगे, ये मौशरे में बुराई ही इसी, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करना छोड़ते ही नहीं, नुक्ताचीनी करना नहीं छोड़ते। दूसरा ये कि देखें, हम बात करते हैं, अगर मैं अपने शहर की बात करूं कि लोग कहते हैं कि काम ही नहीं है, ठीक है काम नहीं है ना, इंटीरियर से लोग आके या दूसरे शहरों से लोग आके कैसे कमा रहे हैं? आपकी मैं आपको काम नहीं करने दे रही है, आपके अपने लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं या हमने ये डिग्री हासिल की भी है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? हम मोची नहीं बन सकते, बिलीव करें। एक टाइम ऐसा था, मैं सिर्फ इस पैंडमिक की सिचुएशन की बात ही नहीं कर रही, मैंने खुद ऐसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग
अलग ही पता चल जाते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे वो एक अंकल थे और वो लिटरली रिक्शा चला रहे थे, तो क्या बुराई है उस पर? ये सेम एज इट इज मेरे साथ, मेरी सिस्टर वो कमा रहे हैं अपने घर को खर्चा उठा रहे हैं, उसके साथ उसकी क्लासमेट थी और फिर उनके फादर जो कि यूके में थे, ओके, कोई प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से वो यहाँ आए, फिर यहाँ वो किसी वजह से हार्ट पेशेंट हुए, प्लस उनको शुगर वगैरह भी हो गया, कुछ थी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हुई कि वो फिर वो रिक्शा चला रहे थे और जब वो बोलते थे तो लगता था कि यस, पता चल जाता है ना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इतनी बीमारियों के बाद भी मैंने मेहनत करना नहीं पसंद की बजाय इसके कि मैं अपने रिश्तेदारों से मांगूंगी मेरी मदद कर दो। और अभी एक बहुत ज्यादा न्यूज में भी चला था कुछ टाइम पहले, कुछ इंजीनियर्स थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, उन सब फ्रेंड्स ने मिलकर एक सूप का बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ स्टार्ट किया था, आई थिंक 2 साल पहले की बात है गाइस। तो उसमें क्या खर्च है अगर आप कमा रहे हैं तो? बिल्कुल, असल में पता है हमारे यहाँ ना कसूर उनका नहीं है, हमारे यहाँ फिर अपोजिट साइड्स पे भी तो बहुत कसूर आ जाता है ना कि लोग उनके बिचारों के ऐसे, फिर मैं कहती हूँ यहाँ वो बेचारे लड़के उनके रिश्ते उस तरह से नहीं आ रहे होते। हाँ। फिर लड़की वाले इतनी डिमांड्स कर देते हैं कि लड़का यूं, अच्छा नहीं, अरे आप ये देखें कि वो मेहनत कर रहा है या नहीं। उसको किसी के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आदत है या वो सेल्फ मेड है? तो सेल्फ मेड वाले को पसंद करें, आज कुछ नहीं है कल होगा। बिल्कुल। जो सिर्फ अपने बाप की कमाई पे ऐश करना जानता है या वो सिर्फ उन्हीं की वो कहते हैं ना साए में बस परवान चढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बुशरा, ये टॉपिक ऐसा है ना खत्म होने वाला टॉपिक और हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप ये देखें। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पर अगर हम 4 प्रोग्राम भी करें तो प्रोग्राम हमारे चलते ही रहेंगे, प्रोग्राम ख़त्म नहीं होंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आप लोग सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ख़ुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ का एक अलग मोटो है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जितनी भी ज़िंदगी में हमारे मसले मसाइल हैं ये हमारे खुद के पैदा कर दें, तो अगर हम अपने इस्लाम की सुन्नत और इस्लाम को अगर सही समझें, कुरान मजीद की किताब को खोलें, सिर्फ अरबी नहीं उसके तर्जुमे को पढ़ें, तो ख़ुद की ज़िंदगी भी आसान होगी और हम दूसरों की भी ज़िंदगी आसान करेंगे। तो बात यह है सिर्फ इतनी सी कि प्लीज़ जिए और जीने दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, सेम डे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।